हेलो नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित कुछ रोचक बातें बताऊंगा। 2 अक्टूबर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। उनका जन्म रामनगर मुगलसराय, जो कि बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बचपन में सब उन्हें प्यार से नन्हे के नाम से पुकारते थे। शास्त्री जी की 2 बहनें थीं। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा श्रीवास्तव था, जो कि एक शिक्षक थे। उनकी माता का नाम राज दुलारी था। शास्त्री जी जब केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी माता अपने 3 बच्चों को साथ लेकर अपने पिता के घर बस गई। उनका बचपन गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा छोटे से शहर में हुई। भीषण गर्मी में जब सड़क तपती थी, वे नंगे पाँव कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, और रास्ते में दिन में 2 बार वे सर पर पुस्तक रखकर नदी पार करते थे, क्योंकि उनके पास नाव का किराया देने के पैसे नहीं थे। बाद में उनकी माता जी ने उन्हें पढ़ाई के लिए उनके चाचा के पास बनारस भेजा, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री जी जाति प्रथा को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री जी हमेशा के लिए लगा लिया। सन 1927 में उनका विवाह ललिता देवी, जो कि मिर्जापुर से थी, उनके साथ हुआ। शास्त्री जी प्यार से उन्हें अम्मा पुकारते थे। दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। उनके बच्चे अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, हरिकिशन शास्त्री, सुमन शास्त्री, अशोक शास्त्री और कुसुम शास्त्री थे। उनके पुत्र अनिल शास्त्री ने बताया कि मेरे पिता ने मुझे कभी मारा तो क्या, कभी डांटा भी नहीं था। जब वे प्रधानमंत्री थे, तो एक बार कार से वह शास्त्री जी अपने पुत्र अनिल शास्त्री की स्कूल गए और पूछा कि मेरे पुत्र कैसा पढ़ रहा है, तो स्कूल वाले घबरा गए। तो शास्त्री जी ने कहा कि यहाँ मैं एक प्रधानमंत्री नहीं, एक पिता की हैसियत से आया हूँ। शास्त्री जी अपने पुराने और फटे कपड़े सर्दियों में अपने कोट के नीचे पहनते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी। एक बार शास्त्री जी ने अपने पुत्र अनिल शास्त्री से कहा कि आप लोगों के पैर ठीक से नहीं छूते। तो अनिल शास्त्री ने कहा, पिताजी मैं तो छूता हूँ, कोई और भाई होगा। तो अचानक शास्त्री जी ने बड़ी विनम्रता से अपने पुत्र के पैर छुए और बताया कि पैर कैसे छुए जाते हैं। 1965 के युद्ध के बाद, जब भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराया था, तो मनोज कुमार अभिनेता, जिन्हें हम सब प्यार से भारत कुमार बुलाते हैं, ने अपनी फिल्म शहीद के प्रीमियम पर शास्त्री जी को बुलाया, जिसमें मनोज कुमार खुद शहीद भगत सिंह का रोल कर रहे थे। शास्त्री जी ने कहा, मैं फिल्म नहीं देखता, लेकिन केवल आपके कहने पर 15 मिनट के लिए ज़रूर आऊँगा। उन्होंने पूरी फिल्म देखी और शास्त्री जी की आंखों में फिल्म देखकर आंसू भर आए। ऐसे सच्चे देशभक्त और सादगी पसंद थे हमारे शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने माँ के कहने पर गांधी जी को कई आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, क्विक आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी के कहने पर 16 वर्ष की आयु में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और लगभग 9 वर्षों तक जेल में रहे। 1951 में जब शास्त्री जी दिल्ली आए, तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभाग, जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग मंत्रालय सौंपे गए, और शास्त्री जी ने अपने समय में इन मंत्रालयों में कई सुधार किए, जैसे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए
लाठी की जगह पानी की बौछारों का प्रयोग उन्होंने ही आरंभ किया। परिवहन में जो आप महिलाओं के लिए आरक्षित सीट देखते हैं, उनकी शुरुआत भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही की थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, शास्त्री जी की देन है कि रेलवे में उन्होंने फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास के किराए में काफ़ी अंतर दिया था, जिससे कमज़ोर तबके के लोग को काफ़ी राहत मिली थी। हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, जिसे हम दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही अपने कार्यकाल में बढ़ावा दिया था। आनंद गुजरात के अमूल दूध कोऑपरेटिव के साथ मिलकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी। 1956 में एक रेल दुर्घटना जिसमें मद्रास में 150 से भी अधिक लोग मारे गए थे, अपने को जिम्मेदार मानते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और उच्च आदर्शों की काफ़ी सराहना की। 30 वर्षों तक उन्होंने देश की सेवा की। शास्त्री जी कहते थे, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। जब जवाहरलाल की मृत्यु हुई तो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के कामरान ने इंदिरा गांधी के मना करने पर लाल बहादुर शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि के कारण 9 जून 1964 को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। जब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए, वह बहुत ही कठिन दौर था। सन 1962 में चीन से युद्ध में भारत की हार को देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि भारत अभी कमज़ोर है, और 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला बोल दिया। 1964 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था, और 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भारत सूखे की मार झेल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। तब शास्त्री जी ने कहा, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे सड़े गले गेहूं, और देशवासियों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें, जिससे सैनिकों को भोजन की कमी ना हो और वह युद्ध अच्छे से लड़ सकें। जब राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई और तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा, शास्त्री जी हमें बताइए कि हमें क्या करना है, तो शास्त्री जी ने तुरंत कहा कि आप देश की रक्षा कीजिए और हमें बताइए कि मुझे क्या करना है। और युद्ध के दौरान पंजाब के रास्ते लाहौर को जीत लिया गया और पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया, और भारतीय सेना ने शास्त्री जी के नेतृत्व में भारतीय वायु सेना ने लाहौर पर जबरदस्त हमला किया। इससे घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए भारत से कुछ समय के लिए युद्ध रोकने की अपील की, जिससे वे अपने नागरिकों को लाहौर से बाहर निकाल सके। भारतीय सेना ने लाहौर पर जबरदस्त विजय प्राप्त कर लिया था। जब भारत ने पाकिस्तान से युद्ध जीत लिया, तब एक सोची समझी साजिश के तहत राजधानी ताशकंद बुलाया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता वार्ता चली, तो शास्त्री जी की एक ही जीत थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें तो मंजूर है, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को हरगिज नहीं दूंगा, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। तब शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने यह कहते हुए हस्ताक्षर किए कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही देगा, मैं नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उनके घर वाले मानते हैं कि उनकी मृत्यु जहर देकर की गई, और अगर उसी दिन पोस्टमार्टम हो गया होता तो सारी सच्चाई सामने आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कई लोग उनकी मृत्यु को हार्ट अटैक मानते हैं।
शास्त्री जी को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है और उनके मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान जय हिंद।